हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। क्लास एट जीके कराएंगे आज आपको। उससे पहले लेसन नंबर 11 तक कराया था मैंने आपको, आज पहले 2-3 कराएंगे। ठीक है, लेसन नंबर 12 तक आएगा उसका फर्स्ट टर्म का। तो लेसन नंबर 12 में कर लीजिए, इसके पास बुक है। उनके पास नहीं है जल्दी परचेज करना। लेसन नंबर 12 का नाम है मेडिसिनल प्लांट्स। आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, उस प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और अभी तक हिस्ट्री इतिहास के अंदर और अभी भी आगे वो जारी है। प्राचीन इतिहास से भी हम जो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स से ही हम, आपको सुना होगा प्लांट्स के जो पौधे या जो लीव्स होती हैं या जड़े होती हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, उनके द्वारा ही मेडिसिन बनाते थे। अब भी हम कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इन प्लांट्स में होता है जो मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स ही होते हैं मेडिसिन प्लांट्स, नहीं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं। कोई भी परेशानी होती है तो हम उससे, जो भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है, हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती है, तो प्लांट्स से हम आपको पता नहीं है उसके बारे में कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट पिक्चर के लिए सब घर में होती है ये ज्यादातर। दिस इज द मोस्ट स्केयर्ड प्लांट उधर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लिए प्लांट जो है ये है। इसकी जो लीव्स होती है जूस टाइप होती है, जनरली ट्रीटेड एज ब्रोचेट एज ग्रेस्टिक डिस्क। आप गले में फिर खाबी होती है, गले में किसी होती है तो क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करती है, तुलसी की तुलसी होता है, तुलसी तुलसी का पत्ते लेकर और उसका बस निकाल कर उसको आप बना देते हैं। उसको हिंदी में तुलसी कहते हैं और इंग्लिश में बेसिक कहा जाता है, था बेसिक कहा जाता है। ये ऐसा ही है। सेकेंड, इट इज ए स्टेनलेस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर प्लांट। स्टेनलेस स्ट्रक्चर होता है प्लांट, थिक पॉइंटेड लीव्स, जो लीव्स होती हैं पूरे गीली होती है, अदर देन द डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल डायबिटीज पेशेंट होते हैं क्योंकि हाई बीपी होता है और यहाँ पर जल जाते हैं, हमारे शरीर में कोई जल गया तो उस जगह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक उसके घरों में पाया जाता है, उसका नाम से जानते हैं एलोवेरा कहते हैं, कहते हैं एलोवेरा। ठीक है, थर्ड है इसे जो इट इज ए डैट क्लाइमर है, क्लाइमर प्लांट है। इसकी हाइट होती है 8 से 9 मीटर, 8 से लेके 9 मीटर। हाँ, पाचन है, डाइबिटीज में पाचन के पस्ता नहीं है वो उसके लिए, या फिर डायबिटीज पेशेंट के लिए, या और बहुत सारे विभिन्न प्रकार की जो हमारी खाल संबंधित परेशानियाँ होती हैं, खाल संबंधित जो खाल से स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम है एलिफेंट क्रीपर। क्या नाम है? एलिफेंट क्रीपर। थर्ड, फोर्थ है द बार्क ऑफ दिस ट्री कंटेन्स स्लाइस कल ऐसे के बस का बात जो होता है ठीक है, उसमें स्लाइस ऐसे होता है विच इज द एक्टिव मेटाबोलिट ऑफ एस्ट्रिन एंड हैज बीन यूज्ड टू रिलीज पेन एंड रिड्यूस फीवर सिंस प्री हिस्टोरिकल टाइम्स। हिस्टोरिकल टाइम्स इस पेड़ के जो बात होती है उसके अंदर एसिडिक एसिड होता है, स्लाइस बताया मैंने आपको, इसलिए इसके अंदर एस्पिरिन पाई जाती है। और ये प्राचीन समय से ही दर्द में, शरीर में दर्द होना या फिर बुखार आना
शरीर के किसी भी अंग में दर्द होना या बुखार आना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में इस पेड़ का नाम है विलो ट्री। क्या नाम है? विलो ट्री। फिफ्थ हेड इज डेडिकेटेड, दिस ट्री इज डेडिकेटेड टू गॉड कमा। कमा के लिए डेडिकेटेड किया गया है हिंदू धर्म के अंदर। द बार्क ऑफ दिस ट्री इज स्ट्रॉन्ग, और इसकी बार्क होती बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और यूट्रेट इन्फेक्शन के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो पेस्ट होता है उसको पेस्ट बनाकर उसको हड्डियों के लिए भी, ज्वाइंट जो होते हैं, ज्वाइंट में जो घाव पेन होता है ज्वाइंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस पेड़ का नाम है अशोका ट्री। उस नाम होगा, क्या नाम है? अशोका ट्री। सिक्स्थ है दिस एवरग्रीन स्मॉल श्रब्स ग्रोज टू ए हाइट ऑफ अबाउट 3 to 4 feet। यानी कि इसकी जो हमेशा शर्ब है इसकी हाइट 3 to 4 feet तक रहती है, और इसकी रूट्स जो होती है वो ग्रोसेज होती है लिवर के लिए, जो उसकी जो रूट होती है उसको लिवर के लिए प्रॉपर लिवर सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको अंदर मॉस्किटो लार्विकल प्रॉपर्टीज होती है, मॉस्किटो खाते हैं, मच्छर खाते हैं, उसको अगर लगा लिया जाए तो मैच करने के बाद जो लगा लिया तो मॉस्किटो भाग जाते हैं। इसका नाम है वाइल्ड लेग बर्ड। क्या नाम है? वाइल्ड लेग बर्ड। सेवेंथ पॉइंट है इट इज ए स्मॉल आर्म ट्री। स्मॉल आर्म ट्री है विच इज विद ब्लैक फिशर्ड बार्क होता है इसके अंदर, और उसके बाद गम और सीड्स जो होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल, आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके टूथपेस्ट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है इंडियन अकाई का पिन। इंडियन अकाई का पिन, ठीक है। लेसन में 12 कंप्लीट हो गया। आपको ये वक्त पर करना है, मध्यम करना है, लास्ट में करता हूँ। 13 चैप्टर है यूनिक मेमर्स ऑफ इंडिया। ऐसे मेमर्स जो बहुत अनोखे हैं हमारे देश में, उनके बारे में बताया गया है। इंडिया के अंदर बहुत सारी वैराइटीज पाई जाती हैं फ्योना की। पता हुआ बताया था फ्योना, फ्योना क्या होते हैं बताया था ना। तो फ्लोरा मतलब होता है एनिमल्स के बारे में पता है, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स प्लांट्स के बारे में पता है। ऐसा अनुमान लगाया गया लगभग 90,000 स्पीसीज जो है एनिमल्स की है हमारे इंडिया के अंदर, 90,000, ठीक है। पर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ एनिमल्स की साइज अलग अलग होते हैं, शेप अलग अलग होता है, हैबिटेट अलग अलग होता है, और कुछ एनिमल्स विलुप्त भी हो चुके हैं। तो जो इसमें दिए हुए हैं अनोखे एनिमल्स उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है इट इज अ स्मॉल एरबियर एनिमल मैमल नेटिव टू द ईस्टर्न हिमालय सिस्टम, हिमालय से रहता है, और आसाम सिक्किम और साउदर्न टाइबेट में पाया जाता है। ये रेडिश ब्राउन कलर का फर होता है इसका, ऊपर की खाल होती है, लॉन्ग सेमी टेल होती है, और शॉर्टर फर भी है, यानी जो आगे के जो पाँव होते हैं वो छोटे होते हैं, पीछे वाले पाँव बड़े होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर बैम्बू और इंसेक्ट्स को खाकर बर्ड्स को खाकर और छोटे छोटे मैमल्स को खाकर जो रहता है रेड पांडा। क्या नाम है? रेड पांडा। सेकेंड है इंडियन वाइल्ड डॉग है के कैटेगरी में आता है, लार्ज कैटेगरी आता है, हाईलैंड्स में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, और ये एंडेंजर स्पीसीज है एनिमल के इंडिया के अंदर। ये मीडियम साइज एनिमल को शिकार करता है, वो ग्रुप्स में होते हैं, और अटैकिंग वाटर मेफेड में वाइल्ड डियर इवन टाइगर्स को भी अटैक कर देता है। उसका नाम है ब्रोल। क्या नाम है? ब्रोल, HOLE। थर्ड है इट इज ए मीडियम साइज कैट। कैट की प्रजाति की है, हिमालय फुटप्रिंट्स के अंदर पाई जाती है, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर, काजी कांजेन सेंट्रो बायोस्फीयर रिजर्व में है, और ये वैल्यूएबल है। इसका नेम डिस्टिंग और क्लाउड्स और कोर्ट्स की दिया गया है। इसकी
एच है वो ब्लैक है और इनसाइड डार्क कलर कलर जो है वो डार्क है। बैकग्राउंड पैल कलर का होता है और ज़्यादातर एनिमल जो है स्टेट एनिमल है मेन डार्क रेड का, जैसे हमारा नेशनल एनिमल होता है तो राष्ट्र का, ऐसे मेन डार्क के लिए स्टेट एनिमल है उसका नाम क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड। क्या नाम है? क्लाउडेड लेपर्ड। फोर्थ है ये है क्यूरियस और यूनिक स्पीसीज जो कि इनहेबिटेड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये सिक्किम और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज में पाया जाता है। इसकी कोचिंग की वजह से ये बहुत ही वेनरेबल है, इसकी लेंथ वो जो लेंथ है वो मीडियम साइज होती है, ब्राउन हेयर होते हैं, स्टॉकी बॉडी होती है, वाइट थ्रोट होता है, टू ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं और फेस जो होता है वो हल्का सा पिंक होता है। इसका नाम है हॉग बैग बगर, हॉग बैग बगर, ठीक है। फोर फिफ्थ है यार, इट इज द ओनली स्पीसीज जो कि एक ऐसा अनोखा स्पीसीज है जो कि ज़्यादातर साउथ साउथर्न इंडिया में पाया जाता है, हिल्स के अंदर लीज पर्वत जो है उसके अंदर पाया जाता है, वेस्ट घाट में पाया जाता है और ये डीप ब्राउन कलर का होता है इसका हेड और ये रेडिश कलर का भी फोर पैटर्न्स होते हैं इसके और येलो कलर की इसकी थ्रॉट होती है, येलो टू ऑरेंज कलर यानी ऑरेंज येलो से लेते हैं ऑरेंज कलर से थ्रॉट होती है। ये बर्ड्स को और स्मॉल एनिमल्स इंसेक्ट्स को आता है, इसका नाम है नीलगिरी मार्टेन, क्या नाम है, नीलगिरी मार्टेन। सिक्स्थ है इट इज फाउंड यानी हिल्स ऑफ प्लेन्स में पाया जाता है और हिल्स में पाया जाता है इंडिया के अंदर, ये बहुत ही शर्मिला किस्म का इंसान होता है, धीरे चलता है, हंटिंग फॉर मीट की वजह से यानी फॉर इट्स मीट्स वेरियस पार्ट्स यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी इसको इसके इसकी मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल इसके पार्ट्स होगा मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज है और ये स्केल्स होते हैं इसके ऊपर बॉडी के ऊपर आर्मर की तरह से बने होते हैं स्केल्स टाइप के, आर्मर के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्राइडर्स के लिए, क्योंकि बहुत ही कठोर होता है। नाम है इंडियन पेन ड्यूरिन, इंडियन पेन ड्यूरिन। नेक्स्ट है सेवेंथ पॉइंट, इट इज ए नेटिव टू इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका में पाया जाता है, ज़्यादातर अपना जीवन जो है वो ट्रीज के ऊपर ट्रेवल करने में, ऊपर ब्रांचेस में जाने फिर नीचे आने में फिर धीरे धीरे मूवमेंट करके लगता है धीरे चलता है। ये थॉर्नी वेजिटेशन, थिक थॉर्नी वेजिटेशन में रहता है और प्रेडेटर्स को या जो जहाँ पर इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं उनको आता है, उसका नाम है सेंडर लॉरस, सेंडर लॉरस। एट्थ पॉइंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैटल्स, कैटल्स यूनू बोट भी कह सकते हैं इसको, बोट कैटेगरी में आते हैं। ये ईस्टर्न हिमालय से पाए जाते हैं, इसको मस ऑफ लिया जाता है, इसमें शॉर्ट लेग्स होते हैं और टू फैंसिंग्स होते हैं, स्टॉकी बॉडी होती है, डीप चेस्ट होती है इसकी और लार्ज हेड होता है, इससे अलग बनता है, आर्च नोज होती है, हॉर्न्स होते हैं और ये नेशनल एनिमल है भूटान का, इसका है भूटान का, इसका नाम है टेकिन, क्या नाम है, टेकिन। नाइन्थ पॉइंट है ये जो है इसमें स्मॉलर होता है, स्पॉटेड ब्राउन हरेना स्किन होती है इसकी, ये कंप्लीट डार्कनेस में ही अपना शिकार करता है और सनराइज से पहले पहले अपना शिकार वापस चला जाता है, डार्क बहुत ही कम निकल सकता है, ठीक है। मोनोगैमस एनिमल है विद मेल्स एंड फीमेल्स एग्जिस्टिंग मंथ ऑफ देयर राइजिंग विद देयर कब्स, कुछ एरियाज में इसके बॉडी पार्ट्स कंसीडर्ड मेडिकल एंड यूज फॉर चार्ज एंड राइजिंग, कुछ इसके बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ एरियाज पर, उसका नाम है स्ट्रिप्ट हाइना, स्ट्रिप्ट हाइना। लास्ट है सब्स्टिट्यूट स्पीसीज है इसकी, सीट नेम्ड है
मार्कपोलो के बाद उसको नाम दिया गया था। और ये माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया पाए जाते हैं या फिर वहाँ पर ही विकास करते हैं। ये लार्ज साइज होती है, शिप से ज़्यादा बड़ी होती है, इसके हॉर्न्स जो होते हैं बहुत ही घुमावदार होते हैं और लॉन्गेस्ट हॉर्न होते हैं सारे शिप से ज़्यादा। ये ज़्यादातर स्मॉल फॉक्स और फ्यूज डोजन एरिया से पाए जाते हैं। इसका नाम है मार्को। ठीक है, तो आज लेसन नंबर 12 कंटिन्यू कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट उसमें होगा। तो आपका होमवर्क यही है, डू लेसन नंबर 12-13 इन नोटबुक एंड बुक। ठीक है, ये होमवर्क है। सेंड करना है किस पर? ग्रुप पर सेंड करना है। आप लोग सोचते हो कि सर आपने वो बंद कर दिया है, हमारे ग्रुप सेंड नहीं हो रहे, वो आपकी कमी की वजह से किया जाता है। कोई परेशानी होती है आपको ऐसे में 12-13 के अंदर तो आप कमेंट करके बताएं कि सर अगली बार पॉइंट सुन ले गया है चैप्टर का, तो बताऊँगा। उसके बाद ऐसे नंबर 40-50 कराएंगे। ऐसा में 12-13 करने के बाद बुक नोटबुक का दोनों का इमेजेस आपको भेजनी है, इस पर अपने ग्रुप पर भेजनी है। टाइम दिया जाता है 12 से लेकर 5 मिनट तक, उस टाइम तक भेजो, उसके बाद कोई नहीं भेजेगा, इसलिए ब्लॉक करना पड़ता है। ठीक है ना, 12 से 5 या 10 से 5 मिनट चलो, कोई बात 10 बजे खोल दिया जाएगा, उससे 5 बजे के बाद कोई बच्चा नहीं मिलेगा और ना परसों को बच्चा कैसे मिलेगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट लाइव क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।